लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान कल। जी हाँ, 91 लोकसभा सीटों पर 11 अप्रैल को मतदान होगा। भाजपा ने 2014 में 91 सीटों में से 32 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस को मिली थी 7 सीटों पर जीत। 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 1279 उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव। छत्तीसगढ़ से 1, बिहार 4, यूपी 8, महाराष्ट्र से 7 सीटों पर होगा मतदान। 10 राज्यों की अन्य 36 सीटों पर भी मतदान होना है। आपको बता रहे, लोकसभा चुनाव 2019 का दंगल कल से शुरू होने वाला है। 10 राज्यों की अन्य 36 सीटों पर भी मतदान होगा। दिल्ली से खबर, जहां लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल होने वाला है। 91 लोकसभा सीटों पर 11 अप्रैल को मतदान होगा। भाजपा ने 2014 में 91 सीटों में से 32 सीटें हासिल कर ली थी, तो वहीं कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 1279 उम्मीदवार लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। 10 राज्यों की अन्य 36 सीटों पर भी मतदान होना है। दिल्ली से खबर, जहां लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल होने वाला है। भाजपा ने 2014 में 91 सीटों में से 32 सीटें हासिल की थी और कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लोकसभा चुनाव 2019 का दंगल कल से शुरू होने वाला है। आखिरकार वो दिन आ गया, कल पहले चरण में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। 10 राज्यों की अन्य 36 सीटों पर भी मतदान होने वाला है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल होने वाला है। 91 सीटों पर 11 अप्रैल को मतदान होगा। भाजपा ने 2014 में 91 सीटों में से 32 सीटें हासिल की थी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। छत्तीसगढ़ से 1, बिहार से 4 और यूपी से 8 सीटों पर मतदान होने वाला है। और 10 राज्यों की, आपको बता दें, अन्य 36 सीटों पर भी मतदान होने वाला है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल है। 91 लोकसभा सीटों पर 11 अप्रैल को मतदान होगा। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। जी प्रीत, बताएं आखिरकार कल लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में मतदान होना है। जी बिल्कुल, पहले चरण में मतदान होना है। चुनाव आयोग की तरफ से लबीना पूरी तैयारी कर दी गई है और जिस तरीके से इस बार मतदान में सख्ती बरती जा रही है तमाम तरीके की, वो ये कहा जाए कि बेहद पुख्ता माना जा रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि सुबह 7 बजे से लेकर और शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। मतदान से पहले की तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो संपूर्ण कर ली गई हैं और सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। वहीं जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपनी तरफ से प्रचार को बंद कर दिया है। हालांकि देर रात तक कल ये जरूर देखा गया कि डोर टू डोर जो है प्रचार करने की पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से पूरी कोशिश की गई, लेकिन अंतिम समय में जो है जिस तरीके से भी पार्टी ने प्रचार किया वो अब चुनाव आयोग इस बात पे पूरी तरीके से सख्ती से निगरानी से ये देखेगा कि कहीं भी कोई चूक ना हो। जी लमिला, प्रीत ये बताएं कि 91 सीटों पर मतदान होना है। अगर 2014 की बात करें तो बीजेपी को 32 सीटें हासिल हुई थी, वहीं कांग्रेस ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो इस बार क्या कुछ कयास, क्या कुछ संभावना? जी बिल्कुल, बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में बेहद बड़ी जो है सीटों के साथ, बड़े संख्या बल के साथ बहुमत में आई और सरकार बीजेपी ने बनाई। उम्मीद इस बार बीजेपी यही लगा रही है कि जिस तरीके से पिछली बार पहले चरण में ही बीजेपी ने लीड हासिल कर ली थी, इस बार भी बीजेपी अब पहले चरण में लीड हासिल कर ले। लेकिन क्योंकि इस बार कुछ जो चुनाव है पहले चरण के वो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत में बीजेपी की इतनी अच्छी पैठ नहीं है। वहां पर ये माना जाए कि कहीं ना कहीं अन्य दलों का बहुत ज्यादा जो है वो प्रभाव माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी इस बार पहले चरण में कितनी सीटें निकाल पाएगी ये देखने वाली बात है। हालांकि डोर टू डोर कैंपेन जिस तरीके से बीजेपी की एक बड़ी रणनीति रही है कि बूथ मैनेजमेंट अमित शाह जिसमें माहिर है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूरी कोशिश की कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस तरीके की जो मुहिम शुरू की उससे कहीं ना कहीं बीजेपी जरूर लीड लेगी, लेकिन पूरा प्रयास करेगी लीड लेने की। लेकिन ये तो मतदान के बाद ही पता चलेगा कि जो जनता है उन्होंने किस पार्टी को चुना है, किस पार्टी को लीड दी है। पहले चरण के ये कहा जाए कि रुझान जरूर देर शाम तक कल आने शुरू हो जाएंगे कि किस पार्टी को कितना प्रतिशत वोट हासिल हुआ है। लगी
प्रीत, धुआंधार प्रचार की बात करें तो बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई भी पीछे नहीं हट रहा है और आज भी राहुल गांधी रोड शो भी करने वाले हैं, तो इस प्रचार से कितना फायदा मिलने वाला है? देखिए, वायनाड और अमेठी दोनों ही जगह से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। यही वजह है कि आज दोपहर 12 बजे राहुल गांधी अमेठी में नामांकन करेंगे और पिछले दिनों उन्होंने वायनाड में जाकर नामांकन भरा था, वहां एक रोड शो किया था और आज सुबह 10 बजे से राहुल गांधी ने ये कहा जाए कि अमेठी के नामांकन से पहले रोड शो किया है, प्रचार उनका जारी है। बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उनके रोड शो में पहुंचे हैं और 12 बजे दोपहर में, अब से कुछ ही देर में, राहुल गांधी नामांकन करेंगे और दो जगह से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका बीजेपी कहीं ना कहीं अमेठी से भागने का भी उन पे आरोप लगा रही है। लवीना जी, प्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, कल 11 अप्रैल को लोकसभा चुनाव 2019 के लिए पहले चरण में 91 सीटों पर मतदान होने वाला है।